बर्दाश्त नहीं होगा। बिहार की 99% जनता हम लोगों के साथ है, प्यार आशीर्वाद समर्थन दे रही है। 1% कोई नासमझी में या गुंडागर्दी में उदंडता में इस तरह का काम करेंगे उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बता देते हैं बिहार में जो लॉकडाउन का नियम का पालन नहीं करने से कहते हैं, लॉकडाउन का नियम का पालन नहीं करने वालों के लिए आवश्यक कार्रवाई के आदेश सबको दे दिए गए हैं। सब SP को थानदार सबको मालूम है कि क्या कर। सर नालंदा में हॉटस्पॉट जोन बनाया गया है। हॉटस्पॉट किसको कहते हैं पहले उसको पढ़ लीजिए, भारत सरकार क्या कहते हैं। अब रहा नालंदा का, तो जहाँ भी एक कोरोना का कोई पेशेंट मिल जाता है 3 किलोमीटर के एरिया को हम लोग सील करते हैं, स्क्रीनिंग करवाते हैं, टेस्टिंग करवाते हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी करते हैं, पुलिस उसमें सहयोग कर रही है। पूरे संकट की स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बिहार के जो हैं वो सारे विभागों के उच्च पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और उनके आदेश निर्देश में सारे विभाग मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। सर कोरोना को लेकर कुछ लोग सोशल मीडिया का जो यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वाले और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले, अफवाह फैलाने वाले, नफरत फैलाने वाले, दो समुदायों के बीच दूरी पैदा करने वाले लोगों को कभी छोड़ा नहीं जाएगा। मुकदमे होंगे, स्पीडी ट्रायल होगा, चार्जशीट होगा, सजा दिलाएंगे, गुंडा रजिस्टर में नाम लिखवाएंगे। जहां के रहने वाले हैं जब जब वहां सांप्रदायिक तनाव होगा तब तब उनका केस होगा, जेल जाएंगे, कोई उनको करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, उनको पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत होगी, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ठेकेदारी करने के लिए भी उनको चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र की जरूरत होगी वो भी नहीं मिलेगी, उनकी कुंडली खराब हो जाएगी। पॉजिटिव मिलता है तो हम पहले 3 किलोमीटर के इलाके को सील कर देते हैं, लॉकडाउन तो है लेकिन कंप्लीट सील कर देते हैं, एक आदमी को निकलने नहीं देते। इसके बाद स्क्रीनिंग होती है, टेस्टिंग होती है, तो जहाँ जहाँ हमें ऐसी शिकायत मिलती है या ऐसा सैड न्यूज मिलता है हम ये सारी कार्रवाई करते हैं, ये मेडिकल की टीम करती है। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके दिशा निर्देश पर बिहार की पुलिस, बिहार के स्वास्थ्य विभाग के कर्मी और जो भी इस सेवा में जुटे हुए हैं लोग वो सब लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। 300 लोग अब भी संदिग्ध हैं जो ट्रेसलेस हैं, उनके लिए क्या करेगी पुलिस? कहाँ है लिस्ट हमको दे दीजिए, वो हमको सूची तो दीजिए कि कहाँ है संदिग्ध। हम कोशिश कर रहे हैं एक एक आदमी को, अब तो ये हो गया कि जहाँ भी एक केस मिल गया तो उस जिले में तो आप जान रहे हैं कि हम हाउस टू हाउस स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हाउस टू हाउस जरूरत पड़ने पर टेस्ट भी करा रहे हैं, बचेगा कहाँ को। बिहार की 12 करोड़ आवाम की जान की रक्षा के लिए और रोड पर खड़े हैं और वो आपको समझाने जाते हैं, आपके यहाँ संवाद करने जाते हैं, आपको क्वारंटाइन करने की सलाह देने जाते हैं, आप बाहर से आए हैं, हमला करेंगे तो पुलिस पर जो हाथ उठाएगा उसका हाथ तोड़ दिया जाएगा, इस बात को समझ जाए। हम उसकी कमर तोड़ेंगे, कानून से तोड़ेंगे, उन पर जरूरत होगी तो हम NDMA एक्ट के अलावा जरूरत होगी तो हम NSA भी लगाएंगे। तो ये गुंडागर्दी है, बर्दाश्त नहीं होगी। 1% लोग हैं ऐसे कर रहे हैं, 1% 99% बिहार की आवाम बहुत समझदार है, वो हमारा सहयोग कर रही है, हमको उसका आशीर्वाद समर्थन प्यार हासिल है। 1% अगर कोई आदमी अगर ऐसा करता है, डॉक्टर पर हमला करोगे, स्वास्थ्यकर्मी पर हमला करोगे, पुलिस वाले हमारा सिपाही जाएगा उसका सर फोड़ दोगे, DSP जाएगा उसका सर फोड़ दोगे, थानेदार जाएगा उस पर पत्थर फूंकोगे, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन पर FIR होगा, उनको जेल भेजेंगे, 24 घंटे में चार्जशीट करेंगे, स्पीडी ट्रायल कराएंगे, गुंडा रजिस्टर में उनके नाम की प्रविष्टि कराएंगे, उनकी कुंडली खराब कर देंगे। नालंदा एक बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।